जो इस तरह का आप जो छतरी देख रहे हैं, ये अलग अलग वैरायटी में इस तरह की छतरी आती है, जैसे टाटा प्ले, सनलाइट, एयरटेल, इस तरह की जो छतरी आती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये छतरी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये एलम भी देख सकते हैं, ये एलम भी अच्छे क्वालिटी में, बहुत ही हाई क्वालिटी में, HD क्वालिटी में आता है, ठीक है। इस तरह का जो रिमोट आता है, ये अलग अलग वैरायटी में DTH का, ठीक है। यह जो आता है, ये DTH का जो लीड आता है, TV से लग करके जो कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में यह उसका तार आता है, जो 15 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर में जो वायर आता है, ठीक है। उसके बाद ये मशीन आती है, इसकी ये जो मशीन आता है, ये सब चीज़ के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या रेंज का आपको पड़ जाता है, कैसे आप इसका बिजनेस कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, कितना पैसा आप लगाएंगे और कितना आपका प्रॉफिट होगा इसमें, कितने पैसे से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा फुल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरा अच्छे से कि आप कितने पैसे से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इसके स्पेयर पार्ट्स और जो इसका जो छतरी आता है, छतरी और जो इसके स्पेयर पार्ट्स होता है, जो अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम, ऐसे तो दोस्तों आप 10,000 और 15,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम बजट आप कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का बजट लेकर के चलें, जिसमें आपका कम से कम 30,000 रुपये का इसका जो छतरी आता है, अलग अलग वेराइटी में 10-10 पीस एक बार में मंगवा लें, 40 से 50 पीस आपका 30,000 में करीब आ जाएगा, जो हैवी ओरिजिनल वाला जो आता है, ठीक है। और उसके बाद से इसका स्पेयर जो होता है, तो जो अगर आपके 50,000 का बजट है तो 20,000 का इसका स्पेयर में, जैसे आपके रिमोट हो गया जो 12-14-15 का पड़ जाता है, या आपका एलम्बी जो 55 से 50 रुपये का पड़ जाता है अच्छे क्वालिटी में, ये जो आपका जो TV का लीड आता है, ये आपको 14 से 15 रुपये में पड़ जाता है, ऐसे जो वायर आता है 65 से 70 रुपये का पड़ जाता है। और एक बात मैं पहले बता दूं कि इसका बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्री डिश का, तो मशीन जो है, मशीन ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने लोकल से लें। इसका जितना स्पेयर पार्ट्स होता है, स्पेयर पार्ट्स सारा आप वहाँ से मंगा सकते हैं, कहीं से बाहर से मंगा सकते हैं, क्योंकि स्पेयर पार्ट में कोई गारंटी का झंझट नहीं होता है और आप आसानी से देख करके, एक बार जा करके क्वालिटी देख करके आप ला सकते हैं। लेकिन मशीन को मेरा जहाँ तक मानना है, एक्सपीरियंस है, मशीन आप अपने लोकल से पहले खरीदें। जब आपका वैल्यू बन जाए, मार्केट बन जाए, तब आप वहाँ से बाहर से मंगाएं, कि नहीं तो जो मशीन मंगाना ही है तो अच्छे क्वालिटी मंगाएं। लेकिन अच्छे क्वालिटी में आप पहले मंगाएंगे तो आपका मार्केट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही सस्ता मशीन मार्केट में पहले से लोग बेच रहे हैं। तो इसलिए आप पहले कोशिश करें कि इसका स्पेयर पार्ट्स और इसका छतरी तार और ऐसे मंगा करके बेचें, और बाद में आप जैसे आपका मार्केट बन जाए तो आप उस हिसाब से अच्छे क्वालिटी का मंगा करके और इसका मशीन आप बेच सकते हैं। पहले ही आप जो अगर अच्छे क्वालिटी का मंगा लेंगे तो आपका मार्केट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में फ्री डिश का। तो दोस्तों इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप इसका बिजनेस 50,000 रुपये में बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके पास जो अगर 10,000 रुपये तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उस तरह से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा यही एक कहना है कि 50,000 रुपये में कम से कम इसका बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे आपका मार्केट में पूरा आपका माल पर्याप्त रहे और डेली के 1500 से 2,000 रुपये आप कमा लें। तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ होलसेलर का, मैन्युफैक्चरर का, जो अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, अन्यथा आप जहाँ से मर्जी हो तहाँ से आप जा करके मार्केट से लेकर आएँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।